मित्रों, हिंदू धर्म में मनुष्य के जन्म से लेकर मृत्यु तक कुल 16 संस्कार बताए गए हैं, जिनमें से एक अंतिम संस्कार भी होता है। इन सारी चीजों के बारे में सनातन धर्म के 18 पुराणों में से एक गरुड़ पुराण में विस्तार से बताया गया है, जिसमें यह बताया गया है कि मृत्यु के बाद घर में क्यों नहीं जलता चूल्हा। अब ऐसा क्यों है, इसके पीछे क्या कारण है, आइए जानते हैं। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका द डिवाइन टेल्स पर एक बार फिर। इस पुराण में मनुष्य के जन्म से लेकर मृत्यु तक बहुत सी महत्वपूर्ण बातों का जिक्र किया गया है। सनातन धर्म में जब किसी इंसान की मृत्यु हो जाती है तो उस घर में गरुड़ पुराण का पाठ किया जाता है तथा घर में चूल्हा नहीं जलाया जाता। उस समय भोजन रिश्तेदारों या पड़ोसियों के यहाँ से आता है। तो आइए जानते हैं इसके अनुसार आखिर मृत्यु के बाद घर में चूल्हा क्यों नहीं जलाते। कहते हैं कि मृत्यु के बाद घर में 13 दिन यानी 13वीं तक पूजा पाठ नहीं किया जाता और न ही चूल्हा जलता है। जब तक मृतक की आत्मा मोह माया से मुक्ति नहीं पा लेती, तब तक वहां चूल्हा नहीं जलाया जाता। इसके साथ ही यह भी कहा जाता है कि किसी की मौत के बाद उसके घर में खाना इसलिए नहीं बनता ताकि परिजन के सदस्य साथ बैठकर इस दुख का सामना कर सकें। और तो और, गरुड़ पुराण में साफ साफ बताया गया है कि जब तक मृतक का अंतिम संस्कार ना हो जाए तब तक उस घर में चूल्हा नहीं जलाना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से मरने वाले व्यक्ति की आत्मा को कष्ट व दुख पहुंचता है। भोजन तो व्यक्ति मन के खुश होने पर ही करता है, लेकिन अगर घर में कोई परिवार का सदस्य मर गया है तो ऐसे में आप खुश कैसे रह सकते हैं या आप भोजन कैसे कर सकते हैं? और अगर ऐसे में आप भोजन करते हैं तो आपके आसपास मौजूद रहने वाली आत्मा को कष्ट होने के कारण गुस्सा भी आ सकता है, जो आपके और आपके परिवार के लिए कोई बड़ा खतरा भी उत्पन्न कर सकता है। इसलिए सभी तरह के खतरों से लोगों को बचाए रखने के लिए चूल्हा जलाना निषेध माना गया है। मृतक को दिया जाता है पिंडदान। दूसरी तरफ यह भी कहा जाता है कि जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसके मरे हुए शरीर को देवतुल्य बताया गया है। ऐसे में उनका सम्मान तभी होगा जब आप उनकी पूरी पूजा क्रिया पूरे विधि विधान से करते हैं। ऐसे में ये सब किए बिना भोजन कैसे कर सकते हैं? अगर आप ऐसा करते हैं तो यह उस देवता समान मृत शरीर का अपमान होगा। बात अगर इसके वैज्ञानिक कारण की करें तो माना जाता है कि किसी भी शरीर की मृत्यु हो जाने पर उल्टी क्रिया शुरू हो जाती है, जिसके बाद शरीर में मौजूद तत्व आपस में क्रिया कर बैक्टीरिया उत्पन्न करने लगते हैं, जो कि दिखाई भी नहीं देते और अपने इसी रूप में उस पूरे घर में फैलने लगते हैं। ऐसे में भोजन बनाना जरूरी नहीं माना जाता है, क्योंकि ऐसा भोजन अशुद्ध और दूषित माना जाता है। इसके अलावा क्या आप जानते हैं कि दाह संस्कार इन तीन कारणों से भी कुछ समय के लिए टाल दिए जाते हैं। पहला, हिंदू धर्म के अनुसार अगर सूर्यास्त के बाद मृत्यु होती है तो शव को जलाया नहीं जाता। उस दौरान शव को रात भर घर में ही रखा जाता है, साथ ही किसी न किसी को उसके पास रहना पड़ता है। फिर उस मरे हुए व्यक्ति का दाह संस्कार अगले दिन ही किया जाता है। ऐसे में अगर रात में ही शव को जला दिया जाता है तो इससे व्यक्ति के नरक जाने की संभावना बढ़ जाती है और फिर उसे मुक्ति नहीं मिल पाती। कहा जाता है कि उसके बाद ऐसी आत्माएं असुर, दानव और पिशाच की योनि में जन्म लेती हैं। दूसरा, साथ ही अगर किसी मनुष्य की मृत्यु पंचक काल में हुई है तो पंचक काल में शव को नहीं जलाया जाता। ऐसे में जब तक पंचक काल समाप्त नहीं हो जाता तब तक शव को घर में ही रखा जाता है और किसी न किसी को शव के पास रहना होता है। गरुड़ पुराण सहित कई धार्मिक ग्रंथों में बताया गया है कि यदि पंचक में किसी की मृत्यु हो जाए तो उसके साथ उसी के कुल खानदान में से 5 दूसरे लोगों की भी मौत हो जाती है। इसी डर के कारण लोगों द्वारा पंचक काल के खत्म होने का इंतजार किया जाता है। परंतु डरने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि इसका एक समाधान भी है कि मृतक के साथ आटे, बेसन या सूखी घास से बने 5 पुतले अर्थी पर रखकर इन 5 का भी शव की तरह पूरे विधि विधान से अंतिम संस्कार किया जाए। अगर आप भी ऐसे समय में ऐसा करते हैं तो आपके भी परिवार का पंचक दोष अवश्य समाप्त हो जाएगा। तीसरा, अगर कोई मर गया है परंतु उनका दाह संस्कार करने के लिए उनका पुत्र या पुत्री पास नहीं है, बल्कि वो कहीं दूर रहते हैं, तो ऐसे में उनके आने का इंतजार किया जाता है और तब भी शव को घर में ही रखा जाता है। वह उस समय भी किसी न किसी को शव के पास रहना होता है, क्योंकि कहा जाता है कि पुत्र या पुत्री के हाथों दाह संस्कार होने के बाद ही मृतक की आत्मा को शांति मिलती है, वरना उस व्यक्ति की आत्मा भटकती रहती है, जो कि कभी कभी बड़ा खतरा भी बन जाती है। साथ ही अगर शव को अकेला छोड़ दिया जाए तो उसके आसपास लाल चींटियां या दूसरे कोई नरभक्षी रेंगने वाले प्राणी या पशु आकर शव को खा सकते हैं। इतना ही नहीं, उस शव के आसपास भटक रही बुरी आत्माएं भी उसके शरीर में प्रवेश कर सकती हैं,
जिसकी वजह से मृतक के साथ साथ परिवार को भी कई तरह के संकट का सामना करना पड़ सकता है। तो मित्रों, आपने जाना कि गरुड़ पुराण के अनुसार किसी की मृत्यु के बाद घर में क्यों नहीं जलता चूल्हा? यदि आपको पहले से किसी बात की जानकारी थी तो हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी वीडियो के जरिए आपको कई सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करिए। इसके साथ ही मुझे दें इजाजत। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हाँ, अब आप हमारे सभी वीडियो फेसबुक पर भी देख सकते हैं, जिसके लिए आपको फेसबुक पर द डिवाइन टेल्स के पेज को लाइक और फॉलो करना होगा।